हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सम मेथड फॉर मेजरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस। फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। द पावर ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट ए नंबर, ठीक है, इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। देखो, जो 10 की पावर होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को, उसको हम ऑर्डर बोल देंगे, ठीक है। तो उसको हम 1 डिजिट तक या पॉइंट डिजिट कोई होगी वहां तक लेंगे। जैसे ये कोई नंबर है n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 10 की पावर x, ठीक है। तो ये जो n की वैल्यू है ये वाली 0.5 से ग्रेटर देन या 5 से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे हम इस वाली n की वैल्यू को कि या तो वो 0.5 से ग्रेटर हो, ठीक है, या इससे 5 से लेस देन हो, ठीक है। तो उसको ऐसे एडजस्ट करने के बाद 10 की जो पावर रहेगी वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैं दो एग्जांपल बताता हूँ, ये 2 7 1 0 0 0 और एक है 5 7 1 0 0 0। ये दो नंबर, इनका हमें ऑर्डर बताना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2.71 10 की पावर 5। और इसको भी अगर ऐसे ही रिप्रेजेंट करें तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 5.5.71 10 की पावर 5। अब देखो, इसको अगर ये वाली वैल्यू देखें, ये देखो इसमें लाई करती है नहीं करती है, 2.7, देखो इससे ग्रेटर देन है और इससे लेस देन है, तो इसमें ये इस वाले में लाई करती है ये वाली वैल्यू। तो ये 10 की जो पावर होगी तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें 10 के बीच का ऑर्डर अगर हम 5 लिख देंगे तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बीच में लाई नहीं कर रही, ये इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.571 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब देखो, ये जो 0.57 है ये 0.5 से ग्रेटर देन हुआ, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, और 5 से ये लेस देन हुआ। तो इसके बीच में हम उसको लेके आएंगे जब भी ऑर्डर फाइंड करना होगा, तो जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो इससे ग्रेटर होनी चाहिए 0.5 से, और 5 के लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए। अगर 5 है खाली 5, तो उसको हम लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 0। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बस ये पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख के फिर लिखेंगे ये वैल्यू इसमें लाई कर रही है नहीं कर। जैसे ये है 6 7 9 0 0 0, तो इसका ऑर्डर पहले हम ऐसे लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5, 6.79 10 की पावर 5। पहले एक पॉइंट तक उसको हम चेंज करेंगे। अब चेंज करने के बाद इसको देखेंगे ये इसमें लाई करता है नहीं करता। अगर ये इससे ग्रेटर देन हुआ, ये वाली वैल्यू अगर इससे ग्रेटर देन हुई तो पॉइंट को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। अगर इससे ग्रेटर हुई और इससे लेस हुई फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 0.679 10 की पावर 6, ऐसे आ जाएगा। सपोज करो ये 0.00023 ये वाला है, ठीक है, तो इसको 1 2 3 4 यहां तक लिखेंगे, 2.3 पहले 1 तक लिखेंगे 10 की पावर 1 2 3 -4, तो ऑर्डर हो जाएगा -4 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 0.00053, ठीक है, अब इसको अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5.3 10 की पावर -4। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है 5.3 इससे ग्रेटर देन है, अगर ये इससे ग्रेटर देन है तो पॉइंट को इधर लेके आ जाएंगे। अगर लेस देन है, जैसे ये लेस देन है, फिर पॉइंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको पॉइंट को इधर लेके आ जाएंगे, तो 0.53 10 की माइनस 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर था। इसके बाद है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है सम मेथड फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, मेथड्स फॉर मेजरिंग
लॉन्ग डिस्टेंस, हमें लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। जैसे कोई हिल है, ठीक है, या उसमें है, तो स्टार्टिंग में है, इसमें सबसे पहला मेथड है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और इको मेथड, रिफ्लेक्शन और इको मेथड। इसमें क्या होगा, इससे हम किसी हिल का डिस्टेंस या बॉटम ऑफ सी, ठीक है, उसकी जो इस समुद्र की गहराई वगैरह उससे मापते हैं इसको। तो इसमें क्या है, द डिस्टेंस ऑफ हिल और बॉटम ऑफ सी कैन बी डिटरमाइंड बाय नोटिंग द टाइम इंटरवल ऑफ सेंडिंग द वेव एंड रिसीविंग बैक द इको ऑफ द वेव, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ हिल और बॉटम ऑफ सी, ठीक है, बाय सेंडिंग ए वेव एंड रिसीविंग बैक द इको, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल को, और जो साउंड हमने या कोई भी वेव हमने जो ट्रांसमिट की है उसकी स्पीड हमें पहले से पता होगी। सपोज करो ये कोई हिल है, यहाँ पे यहां से हमने कोई वेव या, ठीक है, ऐसे वेव यहां से यहां पे गई, ठीक है, और फिर यहां से इसकी इको ये रिफ्लेक्ट बैक होके ऐसे वापिस आई। सपोज करो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एस है, एस डिस्टेंस ये इधर जाएगा, एस फिर वापिस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2s हो जाएगा, और टाइम हमने नोट कर लिया, टाइम हमारा टी और स्पीड हमारी v है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू 2s अपॉन टी। हमें s फाइंड करना है, तो s की वैल्यू आ जाएगी वी टी अपॉन 2, s की वैल्यू आ जाएगी वी टी अपॉन 2। तो इस मेथड से देखो सोनार सिस्टम और जो रेडार सिस्टम है उसमें इसका हम यूज करते हैं। रेडार सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा ट्रांसमीटर है उसे रेडियो वेव या माइक्रोवेव हम ट्रांसमिट करते हैं, तो वो वेव किसी सबमरीन या किसी एरोप्लेन से टकरा करके फिर उसकी को वापस आएगी, उसको रिसीव करेंगे, उसके बीच का टाइम इंटरवल नोट करेंगे, ऐसे ही भेजते रहेंगे, तो उससे हम पता लगा सकते हैं उसका मोशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और सोनार सिस्टम में क्या होगा, सोनार सिस्टम में हम साउंड वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक वेव को सी जो हमारा समुद्र है उसकी तली में भेजते हैं, वो बॉटम से फिर रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगी, उसका हम टाइम इंटरवल नोट कर लेंगे। इसके बाद है ट्रायंगुलेशन मेथड, सेकंड मेथड है ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड। इस मेथड से हम किसी टावर की हाइट या बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी हाइट या कोई हिल है उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। देखो ये एक टावर है, ठीक है, इसकी हाइट है बहुत ज्यादा। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो हाइट है, इसको मेजर करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो हम ये वाला डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, 100 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर, ये डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ये हमें ये फाइंड करनी है हाइट, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया एक्स, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं थीटा, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम एच की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, तो ये इनडायरेक्ट मेथड होंगे, डायरेक्टली हम इसकी हाइट फाइंड करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन डायरेक्टली ये फाइंड और ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो इनकी हेल्प से ये हाइट, ये टेंथ में करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस में, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो वो सब उनका यही प्रैक्टिकल यूज है, ऐसे हाइट निकालने। एक इसका मेथड है, जैसे सपोज करो ये कोई हिल है, ठीक है, ये इसका पीक है, इसको हमें फाइंड करना है। अब सपोज करो ये है, अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मेजर करना भी डिफिकल्ट है, हिल के अंदर तो घुसने दे रहे हैं हम, कहाँ पे उसका सेंटर है ये देखेंगे जाके, तो इसको मेजर करना डिफिकल्ट है, लेकिन यहां से ये कोई डिस्टेंस है इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कराते हैं ऐसे, तो ये जो ये इतना है इसमें तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का नहीं है, ये हमने ये कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे ये 90 का है,
ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया यहां से यहां तक, ये वाला डिस्टेंस लेट कर लिया हमने एक्स, और ये हाइट इसकी एच है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर आगे एक और पॉइंट लेंगे, ये डिस्टेंस है सपोज करो यहां से यहां तक ए डिस्टेंस है, ये भी हम मेजर कर सकते हैं ए, ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं इसको सपोज कर लेंगे अल्फा, और ये एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं इजीली इसको सपोज कर लेंगे बीटा। तो ये हम मेजर कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं, और ये तीन क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। तो इनकी हेल्प से ये वाली हाइट निकाल देंगे। अब देखो इसमें ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी डी, तो पहले वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें कोट की वैल्यू निकाल लेंगे, कोट अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन एच बेस अपॉन, ठीक है, हाइट आ जाएगी इसकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये पूरे वाला ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कोट बीटा इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा हमारा एक्स प्लस ए अपॉन एच, इसको हम लिख देंगे कोट बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच प्लस ए अपॉन एच, तो एक्स अपॉन एच की ये वैल्यू यहां से यहां पुट कर दीजिए, तो कोट बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा प्लस ए अपॉन एच, तो ए अपॉन एच इज इक्वल टू हो जाएगा कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। अब देखो इन तीनों टर्म में आ गई एच की वैल्यू, ये एक्स हमें नहीं बता रहा इसलिए इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, अल्फा बीटा की मेजर कर सकते हैं, इन तीनों की हेल्प से हम एच की वैल्यू डायरेक्ट फिर इस फॉर्मूले से मेजर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है पैरेलेक्स मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, काफी सारे क्वेश्चन भी है इसके एनसीईआरटी में, ध्यान से समझेंगे। थर्ड है हमारा पैरेलेक्स मेथड, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा द डिस्प्लेसमेंट इन द अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन ऑब्जर्व व्हेन व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट लाइन ऑफ साइट इज नोन एज पैरेलेक्स। द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेन व्यूड अलोंग टू डिफरेंट लाइन ऑफ साइट, दो डिफरेंट लाइन ऑफ साइट के अलोंग अगर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी पोजिशन में चेंज हो जाएगा। ये तुम देख भी सकते हो, ऐसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, घर में कोई पॉइंट उस पर दीवार पे उगड़ लेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे देखेंगे एक आंख बंद करके, ऐसे इसको देखेंगे ऐसे, फिर एक आंख बंद करके ऐसे देखेंगे सामने इसको, जब दूसरी आंख से देखेंगे तो वो ऐसे चेंज हो जाएगी पोजीशन उसकी, करके देखना ये अपने आप हो जाएगा कोई भी, ठीक है, कोई हमारी नेल वगैरह होगी उसको देख सकते हैं या कोई पॉइंट ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलेक्स, ठीक है। अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट वो हमें अपियर हुआ है पॉइंट वहीं का वहीं, अगर दो हमारी ये दो साइड अलग अलग होगी, लाइन ऑफ साइट एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, उसकी वजह से उसकी पोजीशन में हमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसका यूज करते हैं, ये हमारा कोई प्लेनेट है, प्लेनेट हमें या कोई स्टार है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है ये वाला, तो ये वाला पोजीशन इसका हम देख लेंगे एक बार, इसको यहां से अर्थ पे ये पोजीशन है, इससे इसको मेजर करेंगे, और एक बार यहां से इसका एंगल हम मेजर करेंगे बी, ये दो पोजीशन ले लेंगे। अब देखो इसमें हमारा ये है ए बी, ये डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया बी डिस्टेंस है ये, अब ये एंगल हमें मेजर करना है ये वाला, ठीक है, तो इसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसके लिए हम ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे पहले ये थीटा वन, ठीक है, इधर से ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे थीटा टू, जो टेलीस्कोप है टेलीस्कोप को ऐसे उसकी तरफ, ठीक है, एंगल करेंगे और उसके ऐसे हम वर्टिकल में एंगल ड्रॉ कर देंगे, तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वन थीटा टू हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसको अगर यहाँ पे हम ज्वाइन कराएं ऐसे,
तो जितना एंगल ये है, ये हमारा थीटा वन हो जाएगा और ये हमारा थीटा टू हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये पूरा हमारा थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। और एंगल एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आर्क हमारा ये आ जाएगा ए बी, ठीक है। और रेडियस इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं, प्लानेट है तो ये पी ए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एस, ये डिस्टेंस एस मेजर कर सपोज कर लेंगे, तो एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। इसमें ध्यान ये रखना है कि थीटा की जो वैल्यू है वो रेडियन में लेनी है, इसमें इम्पोर्टेंट बात है, थीटा की जो वैल्यू है वो रेडियन में लेनी है। तो ऐसे हम इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, दो अलग अलग पोजिशन से इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसमें जो एंगल होगा उन दोनों पोजिशन के बीच का, उसको पैरेलेक्स एंगल हम बोलते हैं, ठीक है। इससे हम किसी प्लेनेट की डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, यही प्लेनेट है हमारा, इसकी डायमीटर भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका साइज कितना है। अब ये वाला है, इसके ये दो पॉइंट हैं, इसकी ये डायमीटर है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये अर्थ है मान लो, तो एक ही पोजीशन से एंगल करेंगे इसको अर्थ पे, ये हमारा अर्थ है। तो ये एक बार इधर को डायरेक्टेड करेंगे हमारी टेलीस्कोप, एक बार यहां डायरेक्टेड करेंगे, तो ये वाला एंगल हम मेजर कर सकते हैं थीटा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमने ऑलरेडी मेजर कर लिया है दूसरे मेथड से, ये ऐसा जाएगी हमारा, ये हमें मेजर करना है इसका डायमीटर, सपोज करो डी है, इसमें भी वो थीटा इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमें डी फाइंड करना है इसमें डायमीटर, तो डी इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई एस। तो इस मेथड से हम मेजर कर सकते हैं इसका डायमीटर, पहले उसके लिए हमें एस फाइंड करना पड़ेगा तभी डायमीटर होगा। इससे फर्स्ट वाला जो इससे पहले वाला है उससे पहले उसका एस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका डायमीटर फाइंड करेंगे। इसके बाद है देखो, जैसे मैंने बताया कि इसमें ध्यान ही रखना है, एंगल जो है वो एंगल हमें रेडियन में लेना है, जैसे ये वन डिग्री है, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना होगा तो ये होगा पाई अपॉन 180 रेडियन, इसको हम लिख सकते हैं 1.745 मल्टीप्लाई 10 के माइनस 2 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अगर मिनट है, ये वन मिनट है, तो ये हो जाएगा 1/60 डिग्री के हो जाएगा, 1/60 डिग्री, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे 1.745 10 की माइनस 2 अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 2.91 10 की माइनस 4 रेडियन, ठीक है। तो अगर मिनट को हमें रेडियन में चेंज करना होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको ध्यान रख लेंगे इससे डिवाइड कर देंगे, ऐसे इससे करना हो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60, ये और ये दोनों एक ही बात है। अगर हमारा सेकंड होगा 1 सेकंड, तो वो हो जाएगा 1/60 मिनट के इक्वल हो जाएगा सेकंड का जो एंगल है, ठीक है। तो इसको ये वाला जो इसको और 60 से डिवाइड कर देंगे, 2.91 10 की माइनस 4 अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 4.85 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 6 रेडियन, ठीक है। पावर में जो दो दो का डिफरेंस है, -2 -4 -6, ऐसे याद कर लेंगे, बाकी इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.291 10 की माइनस 3, तो ये पॉइंट इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू, ये तीन वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये और ये डायरेक्ट याद करनी है। सपोज करो कहीं लिखा हुआ है 1 डिग्री और 35 मिनट, इतना एंगल है ये हमारा, ठीक है। इसको रेडियन में चेंज करना है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री प्लस 35 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा हो जाएगा 1 डिग्री, या पूरे को या मिनट में चेंज कर लेंगे, 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 95 मिनट हो जाएगा। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए 95 मल्टीप्लाई इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.91 10 की माइनस 4 रेडियन में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर डिग्री में हो, या ऐसे है मान लो 1 डिग्री 32 मिनट और 16 सेकंड, ऐसे है ये, तो उसको पूरे को सेकंड में चेंज कर लो, पहले सेकंड में चेंज, या पूरे को मिनट में चेंज कर लो, ठीक है, मिनट उसको, फिर उससे रेडियन में चेंज। जैसे ये हमारा हो जाएगा 60
मिनट प्लस 32 मिनट प्लस 16 अपॉन 60 मिनट, इसको सॉल्व करके जो रहेगा उसको इससे मल्टीप्लाई, या तो पूरे को हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, या पूरे को मिनट में चेंज कर लेंगे, या पूरे को सेकंड में चेंज कर लेंगे, फिर इनसे मल्टीप्लाई करके वो रेडियन में चेंज हो जाएगा।